आज हम सत्तू की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अपने आप में प्रॉपर मील बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और काफी हेल्दी होती है ये सत्तू। तो अगर घर में अगर फटाफट नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, तो आप इस सत्तू के अगर 2 चम्मच अगर आप घोल करके पी लो, तो वो पूरे दिन आपके शरीर में तंदुरुस्ती और काफी हेल्दी फील करेगी। तो इस सत्तू को बनाने की कैसे हम बनाते हैं, इसकी रेसिपी हमने पहले अपलोड किया हुआ है कि आप घर में सत्तू कैसे बना सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसी सत्तू से कुछ अलग तरह का ड्रिंक बनाने वाली हूँ, जो कि एक मीठा और एक तीखा नमकीन बनाऊंगी। 2 तरह का ड्रिंक बनाऊंगी। और इससे पहले हमने सत्तू का बहुत सारे ड्रिंक भी डाली हूँ, और साथ में इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी भी हमने डाला हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे सत्तू लिया है, एक बाउल लेंगे। सत्तू में बहुत ही फायदा और काफी बहुत हेल्दी रेसिपी है बोल सकते हैं। अपने आप में हाई प्रोटीन वाली बात है फ्रेंड, इसे जरूर आप ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को। तो हमने यहाँ पे सत्तू 4 बड़े चम्मच ले ली हूँ। अगर आपको लगता है तो चिल्ड पानी का यूज कीजिए, मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी यूज कर रही हूँ। इसे हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, घोल लेना है। इसे घोल कर इसे एकदम ही पतला, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस आपको कितना पीने में अच्छा लगता है। कुछ लोग इसे एकदम ही पतला पीना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसकी जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से सत्तू डालिए और इसे घोल करके एकदम लम्स फ्री रेडी कर लेना है। ये अच्छा सा इस तरह से एकदम ही लम्स फ्री सत्तू घोल कर रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको जिस हिसाब से मीठा और नमकीन बनाना है तो आप उसी हिसाब से इसको हम 2 ग्लास में शिफ्ट करेंगे। एक में मीठा और एक में नमकीन बनाऊंगी। तो इसे हम फिल कर देंगे। ये मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको जिस हिसाब से सत्तू की थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसे बनाइए। बहुत अच्छा और काफी टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो ये हो गया, सत्तू को हमने फिल कर दिया। अब हम जिसमें मीठा बनाना है उसमें हम 2 बड़े चम्मच हमने शक्कर लिए हैं। शक्कर को इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच हमने। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप चीनी ऐड कीजिए। तो चीनी को इसमें हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए स्टर कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनेगी ये रेसिपी फ्रेंड। साथ में मीठा होने के बाद भी इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक ऐड करने के बाद इस चीनी को हमें इतना घोलना है कि आराम से ये पूरा घुल जाए चीनी। यहाँ पे आप चीनी के जगह पे अगर आप गुड़ पसंद करते हैं तो गुड़ को कद्दूकस करके इसके साथ गुड़ के साथ बनाइए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके ऊपर है कि आप चीनी के साथ पसंद करते हैं या गुड़ के साथ पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से, ये घुल गया चीनी। अब हम इसमें ये नींबू लिए हैं। नींबू को इसमें डाल दूंगी। ये खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है ये सत्तू। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिए। अब इसमें जितनी आपको पतला बनाना है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। ये हमारा मीठा सत्तू का ड्रिंक तैयार हो गया।
जो कि बहुत ही अच्छा और काफ़ी टेस्टी बना है। आपको लगता है फ्रेंड्स, तो इसमें आप आराम से आइस क्यूब डालिए और सत्तू का इस ड्रिंक का एंजॉय कीजिए। तो ये तो हो गया मीठा। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं जिसमें हम नमकीन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं, इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास मिंट लीव है फ्रेंड तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी इसमें हरी मिर्च डालूंगी कट करके और इसे हल्का सा क्रश कर लूंगी, जिससे कि मिर्ची और धनिया का फ्लेवर इस ड्रिंक में अच्छे से आ सके। ये फटाफट बनने वाला और काफी हेल्दी रेसिपी है। ये अच्छा सा क्रश हो गया धनिया और मिर्ची, थोड़ा पानी ऐड करूंगी इसमें। इसे इस तरह से इसमें डाल दूंगी। फिर इसमें हम लेमन डालूंगी थोड़ा सा। इस तरह से इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। इससे पहले भी हमने इस तरह का सत्तू का एक ड्रिंक डाला हुआ है, वो भी बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बना था। अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। सादा नमक का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने ये चाट मसाला लिया है, चाट मसाला को भी इसमें डाल दूंगी। आधी छोटी चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। थोड़ा सा काली मिर्च इसमें क्रश करके डाल दूंगी, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है काली मिर्च, और गले के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने इसमें काली मिर्च भी डाल दिया। इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। ये सारा कुछ मिक्स होने के बाद इसमें जितना मुझे पतला चाहिए उस हिसाब से मैं पानी ऐड करूंगी। कुछ लोग इसमें सोडा भी डाल करके यूज करते हैं। अगर आपको पसंद है तो सोडा भी आप यहाँ पे डाल करके इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा मीठा और नमकीन दोनों तैयार हो गए। आप इसे एंजॉय कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको ये रेसिपी फ्रेंड कैसा लगा है बना करके। देखने में लग रहा ना काफी यमी और टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है। इस तरह से हम नींबू के स्लाइस से गार्निश कर देंगे थोड़ा सा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। ये ड्रिंक हमारा बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से आप बनाइए और हमें भी अपना फीडबैक दीजिए। मीठा और नमकीन दोनों ड्रिंक तैयार हो गए। थोड़े से आइस क्यूब डाल दूंगी इसमें। बहुत ही यमी और काफी टेस्टी ड्रिंक बन करके रेडी हो गया ना। तो इस तरह से आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।